और कुछ जानना जरूरी है क्या कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हम लोग जो काम करते हैं बिजली का विषय में बहुत सारा चीज जो है हम लोग को इसके विषय पर चर्चा करना भी जरूरी है। हम तो काम करते हैं लेकिन बिजली देखते हैं कि जाता है तो बिजली में ऐसा बहुत किसी का तरफ से बहुत किसी का ये है जो पैंडेमिक होता है न्यू में कितना है डैमेज कैसे होता है ऑन रूट में स्किडेड होने से क्या होता है उसका जो सात किस्म का जो डिफेक्टिव है उसके लिए हम लोग चर्चा करें। सात किस्म का डिफेक्टिव बोलने से जैसा थिंक ब्लेंज शार्प ब्लेंज हॉलो टायर डीप ब्लेंज इतना सारा हम लोग को चक्का का विषय में जानकारी देना आप लोगों को बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग देखिए यहाँ पुलिस का जो टीचर यहाँ दिया हुआ है डैमेज का तो इसका बारे में कितना सारा है देखिए यहाँ लिखा लिखे यहाँ यहाँ आप लोगों को लिखा हुआ है क्या इन प्लेट सात प्लेट यहाँ से रेडियस उसके बाद क्या है इन प्लेट कैसे कैसे मापा जाता है इसमें सब दिया हुआ है कितना सारा होने से इसमें डैमेज होता है किया जाता है इसका जैसा जैसा है कि आप डैट प्लेस और टायर टायर में डैट प्लेस होने से कैसा कैसा हम लोग इसको निकाल के देखते हैं इतना गैप यहाँ जैसा रखा हुआ है ये के कंडीशन में है ये है डैमेज कंडीशन ये होने से हम लोग डैमेज कहते हैं। उसके बाद हॉलो टायर कैसा है इसमें देखिए जो हम लोग गेज बिठाया है वो आप लोगों को इस व्हील के ऊपर हम लोगों को जो मॉडल है इसमें बिठा के आपको दिखाया जाएगा। ये हम लोग जो ट्रेनिंग स्कूल का तरफ से जो कैसा है इसमें हम काफ़ी है इसमें डेमोस्ट्रेटर है दोनों भी है विवोल्टू भी है ये लोग हम लोग सब मिल के इस सब एक प्रकार के वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं ताकि बाद में आप लोगों को काम में आ जाएगा कि आप लोग इसमें देखते हैं लेकिन हम लोग इस फीचर्स को आप लोग को प्रोजेक्टर में बाद में हम लोग क्लास लेके दिखा देंगे। तो यही सारा चीज़ जो डिफेक्टिव है इस डिफेक्टिव के बारे में आप लोगों को चक्का का विषय में और भी डिटेल्स जानकारी देने के लिए हम बोले तो कि इस विषय में आप थोड़ा चर्चा कर दीजिएगा हम लोगों का ट्रेनिंग स्कूल का तरफ से जो जो हम लोग पढ़ाते हैं इसी विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। हर क्लास में एक दिन फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे फोर्थ डे जो जो क्लास आप लोगों को लेते हैं प्रैक्टिकल या हम लोग जो करते हैं वो आप लोग लाइव में हम लोग आप लोगों को दिखा के उसका भी वीडियो हम लोग दिखा देंगे। इसके बाद आप लोग वीडियो ले और डिटेल से विस्तार से आप लोगों को बताएंगे जो हमको बिल के बारे में बताने के लिए अवसर दिया है आप लोग के बीच में। तो पहले हम लोग जानते हैं जैसे कि व्हील एक तो इंडियन रेलवे का वाइटल चीज है जो रेल ट्रैक के ऊपर दौड़ता है। तो व्हील में बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग को हमेशा जांच करना करते रहना चाहिए उसमें बहुत छवि है। जैसे मान लीजिए व्हील का जो डिफेक्ट व्हील में बहुत सारा डिफेक्ट होता है जैसे आप मेरा तरुण जी ने आपको समझाया है जे सात तरह का डिफेक्ट होता है वो डिफेक्ट हम लोग को चेक करना पड़ता है ऑन रूट में। जब हम लोग गाड़ी चेक करते हैं तो सब चीज़ को देखने के साथ हम लोग को व्हील को जरूर देखना। तो व्हील को देखने के लिए पहले आपको व्हील का एक तो क्रॉस सेक्शन से आपको समझा रहे हैं जो व्हील क्या चीज़ है और ये व्हील कैसे डिफेक्ट को मापा जाता है कहाँ कैसे डिफेक्ट होता है। तो आपको हम बोल रहे थोड़ा सा व्हील का जो क्रॉस सेक्शन है उसको ले गए ये देखिए इसको देखिए बढ़िया से ये हो गया एक व्हील का मॉडल जो हम लोग ये तो व्हील का क्रॉस सेक्शन है छोटा सा एक हिस्सा काट के आप लोग का बीच में रखा हुआ है। इसमें कुछ कुछ चीज है जैसे देखिए ये जो है आपका दिखाई दे रहा है ये व्हील का मोटाई है व्हील का थिकनेस मोटाई है इसको इसको क्या बोलते हैं व्हील टायर बोलते हैं। और ये जो है ये फ्रेंच
ये फ्लेंज है व्हील ट्रैक को पकड़ के रखता है, गाड़ी हम लोग जानते हैं आप ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, फ्री फ्लेंज उसको पकड़ के रखता है। तो ये सब चीज का एक एक माप होता है, मेजरमेंट होता है। ये मेजरमेंट जब भी कभी भी कुछ फॉल्ट आ जाए या इस मेजरमेंट का कुछ प्रॉब्लम हो जाए या इसका कंडेमिंग लिमिट तक पहुंच जाए तो इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। तो ये जो फ्लेंज है, ये फ्लेंज का देखिए एक मोटाई है कि नहीं, आप देखिए बढ़िया से देखिए, इसका एक मोटाई है, इसका एक रेडियस है, देख रहे हैं, गोल है, गोल मतलब हम लोग जानते हैं उसका रेडियस, गोल जो चीज रहेगा राउंड शेप का जो रहेगा उसका रेडियस रहना अनिवार्य है। यहाँ देखिए ये भी एक रेडियस है ना, और ये जो टायर है ये देखिए पूरा गोल होकर घुमा हुआ है, मेरा थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन है, थोड़ा सा ही दिखा रहे हैं, तो ये गोल करके घुमा हुआ है। तो एसी जो है, एसी में हम लोग का जो प्रॉब्लम होता है यही प्रॉब्लम होता है। ये मान लीजिए फ्लेंज पतला हो गया, एक तो मेजरमेंट है बताएंगे आप सबको, तो ये इतना पतला हो गया कंडेमिंग लिमिट क्रॉस कर गया, तो हमको उसको रिजेक्ट करना है, इससे ये टूट जाने का संभावना है। और क्या है, ये जो आपका रेडियस है, ये रेडियस जब ये गड्ढा हो जाएगा, ये रेडियस आपका घट जाएगा, तब रिजेक्ट करना है। अगर मेरा कंडेमिंग लिमिट तक पहुंच गया तो ठीक है। ये जो गोल राउंड है इसमें दब गया है, कई एक जगह दब गया, तो ये क्या करेगा, जब घूमेगा ये दबा हुआ है इस जगह, तो गोल करके घूमेगा उस जगह, जब पहुंचेगा व्हील ट्रैक में हैमरिंग आवाज करेगा, दम दम करके मारते रहेगा व्हील के ऊपर, वो हैमरिंग करते रहेगा, हथौड़ी जैसा मारते रहेगा, आवाज उठते रहेगा। ये चपटा, ये भी एक हम लोग का व्हील का डिफेक्ट, समझ रहे हैं। ये जो रेडियस है, ये रेडियस घट के पतला होगी तो रिजेक्ट है। अगर कंडेमिंग बार बार एक ही बात बोले कंडेमिंग लिमिट तक पहुंचे, तो ये कंडेमिंग लिमिट है क्या और इसको मापेंगे कैसे। ये जो है ये व्हील डिफेक्ट गेज है, ये जो गेज है ये व्हील डिफेक्ट गेज है, इसको हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे अगर पकड़ेंगे तो इसी हाथ को घुमा के हम कोई भी माप ले सकते हैं, आपका सुविधा के अनुसार आप माप सकते हैं, ऐसे भी माप सकते हैं, इसको ऐसे करके घुसा के जैसे भी हो आपका जैसा सुविधा मिले, लेकिन ऐसे करके पकड़ने से आपका क्या होगा, आप घुमा के एक ही उंगली में घुमा के आप कोई भी माप ले सकते हैं, ठीक है। अभी आ जाइए इसका बारे में आपको चर्चा कर दिए, ये जो फ्लेंज है इसका जब नया होके आता है, इसका तो मेजरमेंट रहता है ना, जैसे व्हील गाय कितना बोले थे नया में 915 होता है, 915 मिलीमीटर व्हील डाया होता है, मतलब उसका गोलाई है कि नहीं, और इसका कंडेमिंग कितना में होता है 825 में, और LHB में कितना में होता है 845, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाया, बाकी हो गया फ्लेंज, फ्लेंज का मोटाई और इसका देखिए गहरापन है, डीप है ना, इसका लंबाई और मोटाई, ये लंबाई होता है 28.5 मिलीमीटर, ठीक है, और इसका जो मोटाई है ये 29.4 मिलीमीटर, 28.5 नॉर्मल के लिए है, HS के लिए हाई स्पीड के लिए 29.4, ठीक है। और ये जो फ्लेंज है, ये फ्लेंज देखिए इधर देखिए, ये जो फ्लेंज है ये जब फ्लेंज पतला हो जाएगा, कितना हो जाएगा पतला बोलिए, कोई बोल सकिएगा बोलिए, टॉप टॉप का इसका फ्लेंज, ये फ्लेंज 22 mm और 16 mm, 16 mm नॉर्मल में, 16 mm और 22 mm होता है हाई स्पीड ट्रेन का जो व्हील लगा हुआ उसका, ये फ्लेंज जब 22 मिलीमीटर हो जाता है हाई स्पीड में, तब इसको हम लोग कंडम मान लेंगे, ये व्हील को चेंज करना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसका जो डीप है, ये डीप घिसते घिसते इसका डीप और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ये जब घिसेगा ये घिसेगा घिसते घिसते ये डीप बढ़ जाएगा, तो 29.4 या 28.5 से जब 35 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, 35 मिलीमीटर
मोर देन 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गया तब इसको हम लोग बोलेंगे डीप फ्लेंज हो गया, डीप फ्लेंज। समझ में आ रहा? हम फिर और दिखाएंगे, ये इससे आप लोगों को सिर्फ बता दे रहे हैं। फ्लैट जो आप लोग को बोले यहाँ पर दब गया है कहीं कोई जगह, उसको बोलेंगे फ्लैट प्लेस, वाह फ्लैट फ्लैट टायर, ठीक है। ये दब गया, इसका माप कितना है कोचिंग में 50 मिलीमीटर, जब न्यू आता है तब कोई नहीं रहता है, कुछ फ्लैट प्लेस का कुछ मार्किंग नहीं रहता, नील रहता है, लेकिन जब दब जाता है कोई जगह वो कोचिंग के लिए है 50 मिलीमीटर और गुड्स के लिए, गुड्स का जो व्हील है उसके लिए है 60 मिलीमीटर। ये दब गया 60 मिलीमीटर एरिया दब गया है, तो इसका मतलब हम लोग का फ्लैट प्लेस हो गया है, उसको हम लोग को रिजेक्ट करना होगा, दूसरा व्हील लगाना होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो रेडियस हम आप लोगों को बोले थे, ये एक तो रेडियस है, ये रेडियस का माप है 14.5 मिलीमीटर। नया जब इसमें एक ठो इधर से घिसते 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 यहाँ पर पतला एक ठो चक्कू जैसा धार हो जाएगा तो इसका रेडियस घट जाएगा, उसको शार्प फ्लेंज बोलेंगे। 5 मिलीमीटर से नीचे हो जाएगा, 5 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर से नीचे हो जाएगा तो बोलेंगे शार्प फ्लेंज हो गया, तो ये भी एक ठो विद डिफेक्ट है। समझ में आ रहा आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा तो बोलिएगा। ये हम लोग वहां पर जाके आप लोगों को एक एक चीज बढ़िया से दिखा रहे हैं। इधर देखिए, देखिए थिन फ्लेंज, आपको ये देखिए, ये है व्हील डिफेक्ट गेज, देखिए इसको और इसको देखिए एक ही है, ठीक है। तो आप ये है व्हील का क्रॉस सेक्शन, ये फ्लेंज है, ये व्हील टायर है, ठीक है। जब थिन फ्लेंज होगा हम क्या बोले, थिन फ्लेंज है 29.4 मोटाई है, वो हिट घट गया 22 मिलीमीटर हो गया या 16 मिलीमीटर हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे थिन फ्लेंज हो गया। तो थिन फ्लेंज का मापेंगे कैसे, ये देखिए इसको देखिए, ये अगर ये फ्लेंज का ऊपर बैठाएंगे, ये देखिए ये व्हील है, ये व्हील है, ये व्हील का ऊपर इसको बैठाएंगे, ये अगर बैठ जाएगा देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी देखिए ए लिखा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है ये बैठाएं यहाँ पर, ये बैठाने का बाद ये हिस्सा अगर यहाँ टच हो गया तो मेरा थिन फ्लेंज हो गया, इसका मतलब व्हील डिफेक्ट थिन फ्लेंज का है, इसका मतलब इसको हम लोग को रिजेक्ट करें। समझ में आ गया? ये चीज यहाँ सड़ जाना चाहिए, नीचे टायर में सड़ जाना चाहिए, तब थिन फ्लेंज होगा। समझ में आ गया? ये हो गया थिन फ्लेंज, देखिए यहाँ सड़ गया है, यहाँ देखिए शार्प फ्लेंज। शार्प फ्लेंज किसको क्या कैसे मापते हैं, ये देखिए ये वाला हिस्सा देखिए बढ़िया से देखिए, ये वाला हिस्सा ये शार्प फ्लेंज के लिए है, ठीक है। जब देखिए ये जब हम बैठाएंगे इसको, जब बैठाएंगे इसका जो हिस्सा है और इसका जो हिस्सा है इसको पैरेलल रखना होगा, एकदम पैरेलल, बात समझ में आ रहा। इसको अगर हम ऐसे करके बैठाएंगे, देखिए यहाँ पर बैठाएं ये वाला, इसको हम पैरेलल इसके साथ रखें, बढ़िया से देखिए पैरेलल ही रखा हुआ है, यहाँ पर भी हम पैरेलल रखें, तो क्या होगा अगर ये जो हिस्सा, ये बीच का जो हिस्सा है, ये बीच से गैप, कोई गैप साइड से दिखाई दिया, कोई भी साइड से दिखाई दिया तो मेरा शार्प फ्लेंज हो गया, यहाँ पर नुकीला चीज उड़ गया है एक ठो। मान लीजिए हम एक ठो कॉइन दिखा रहे हैं, एक ठो कॉइन में ऐसे करके लगा दिए, पैसा में कॉइन में लगा दिए, तो लगा देने के बाद साइड से लाइट पास होगा कि नहीं, कोई भी हिस्सा से अगर लाइट पास होगा, ये देखिए ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पर नुकीला हो गया, इसके ऊपर ऐसे करके हम लगाएं तो लगाने से क्या होगा दोनों साइड से लाइट पास होते रहेगा तो बोलेंगे हम लोग शार्प फ्लेंज हो गया। समझ गया बात? तो ऐसा ही जैसे पैसा दिखाया नुकीला जैसा उठ गया वैसा ही उठ जाता है, जिससे हम लोग को पता चलता है ये शार्प फ्लेंज हो गया, चक्कू जैसा धार हो जाता है उसके। उसके बाद देखिए क्या बोला है, रूट रेडियस,
रूट रेडियस क्या है, ये जो रेडियस है जिसको बोले थे हम लोग रेडियस, आप लोगों को बोले थे यहां पर एक तो रेडियस रहता है रूट रेडियस जिसको बोलते हैं, ये रूट रेडियस जब ये रूट रेडियस, देखिए रूट रेडियस में क्या है, इसको जब हम लोग ऐसे बैठाते हैं इसमें तो क्या होता है, यहां से देखिए ये ए के बीच से कोई लाइट पास नहीं होगा, ऐसे बैठाएंगे ये और ये पैरेलल रहेगा, याद रखिएगा ये चीज, ये चीज और ये चीज आपको पैरेलल रखना चाहिए, और रखने के बाद इसको ऐसे करके देखिएगा तो यहां से कोई लाइट पास नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सही है, और अगर लाइट पास यहां से हो रहा है इसका मतलब इसका रूट रेडियस हो गया है, ये गड्ढा हो गया। देखिए ये वाला रेडियस में है, ये भी आपका रेडियस में है, सेम रेडियस का है ये, इसीलिए बैठ जाएगा रेडियस में तो लाइट पास नहीं होगा, जब ये घिस के पतला होकर घुस जाएगा भीतर तब ऑटोमेटिक यहाँ पर तो गड्ढा जैसा आ जाएगा, पतला गोल जैसा गड्ढा, तो इसमें से जब ये बैठाएंगे लाइट पास होगा यहाँ से, तब जब लाइट पास होगा तो हम लोग बोलेंगे रूट रेडियस हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया क्या, डीप फ्लेंज। डीप फ्लेंज क्या होता है, जो रूट रेडियस हुआ ये घिसते घिसते नीचे गया, नीचे गया तो जब नीचे गया इसका जो लंबाई है, लंबाई और बढ़ गया, नीचे घुस गया बड़ा हो गया, इसका जो लंबाई है बढ़ गया, ये नीचे घुस गया घिसते 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 नीचे गया तो ये लंबाई बढ़ गया, इसको बोलेंगे हम लोग डीप फ्लेंज। डीप फ्लेंज को देखिए माप रहा कैसे, ये जो हिस्सा है इसको और इसको पैरेलल ही रखिएगा, इसको और इसको, और ऐसे करके इसको बैठाइएगा ये पैरेलल, देखे देखिए बढ़िया से ऐसे, ये और ये पैरेलल रहेगा, अगर यहाँ क्लियर रहा ये वाला हिस्सा क्लियर रहा तो चक्का सही है, अगर ये बैठ गया ऐसे करके ये पैरेलल रखने का बाद भी ये बैठ गया नीचे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डीप फ्लेंज हो गया, डीप फ्लेंज, ठीक है। एक मिनट, ये होलो टायर का है, ये डीप फ्लेंज और होलो टायर, ये जो है ये डीप फ्लेंज ये बैठ जाएगा, ये जो फाक है ये फाक बैठ जाएगा, ठीक है। ये जो क्लियरेंस है ये जब घुसेगा, ये जब घिसेगा ये तब बैठ जाएगा, ये जब बैठ जाएगा तो ये क्लियर जो है ये नहीं रहेगा, ये दब जाएगा, इसको बोलेंगे डीप फ्लेंज। और इसी का और एक ठो है होलो टायर, ऐसे ही मापा जाता है, जैसे इसको मापे हैं वैसे ही मापा जाता है होलो टायर को, जो आप लोगों को बोले ये ऐसे करके बैठा है ये वाला बैठ जाएगा, किस लिए होता है होलो टायर, क्या है ये जो टायर का हिस्सा है, ये जो टायर का यहाँ पर ग्रूप हो गया, गड्ढा हो गया, देखिएगा कभी कभी व्हील में ऐसा हो जाता है, व्हील ऐसा हो जाता है ना, जब ऐसा हो जाएगा यहाँ गड्ढा जैसा हो जाएगा तब इसको जब बैठाएंगे तो ये जो फाक क्लियर है ये और ये पैरेलल रखेंगे, ये जो है ये क्या होगा इसमें सट जाएगा, इसमें सट जाएगा, इसको बोलेंगे होलो टायर, ये वाला होलो टायर। और बाकी रह गया क्या, फ्लैट फेस और थिन टायर। फ्लैट फेस क्या, फ्लैट फेस ये वाला जो हिस्सा जो हम लोग पैरेलल दिखाते हैं ये वाला हिस्सा, जब यहाँ पर कोई दब जाएगा, ये जब हम लोग भैया से देखिए यहाँ पर बैठा रहे हैं दोनों तरफ देखिए लाइट पास हो रहा है, इसको देखिए ऐसा 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 कर रहा है लाइट पास दोनों तरफ, सीधा बैठाएंगे इधर भी लाइट पास इधर भी लाइट पास हो रहा ना, और ये ऐसा ऐसा लचक करेगा, जब ये दब जाएगा तब ये पूरा बैठ जाएगा, और जब पूरा बैठ जाएगा तो ये दोनों भी बैठ जाएगा, लाइट पास नहीं होगा कोई तरह से, लाइट पास नहीं होगा, इसको बोलेंगे फ्लैट फेस, ठीक है। ये फ्लैट हो गया, ये टायर फ्लैट हो गया, समझ में आ गया। और रह गया क्या, थिन टायर। थिन टायर इसमें एक तो मेजरमेंट है इसमें नहीं है, ये देखिए यहां से हम दिखा दे रहे हैं, व्हील का एक तो हिस्सा है जहां पर देखिएगा फ्लेंज खत्म होने का बाद व्हील का बाहर में, इधर देखिए इधर का जो हिस्सा है इसको ए माना है, और ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा उसको एस माना है। यहां पर एक तो जब आप लोग ओरिजिनल टायर डिफेक्ट गेज देखिएगा तो इसमें एक टैग लगा रहा है, ठीक है, इसमें टैग लगा रहा है, जैसे इसमें देखिए आप लोग एस दिया हुआ है, वो जो ओरिजिनल आपका टायर डिफेक्ट गेज आएगा उसमें देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है,
तो हम लोग इसको ऐसे बैठाएंगे, जब इसको बैठाएंगे हुल में ऐसे करके बैठाएंगे, ऐसे करके बैठाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये जो ए और एस, अगर जो इसका एस है ऊपर में रहेगा, ए का ऊपर में, तब तक हुई टायर थिन नहीं हुआ है, अभी टायर चलने वाला। लेकिन जब ही एस ए का बराबर पैरेलल या नीचे आ जाए, तब हम लोग का टायर ये थिन हो गया, पतला हो गया। जब ये पतला होगा आहिस्ता आहिस्ता ये घटेगा, ये घटते जाएगा तो ये घुसते जाएगा, ऐसे करके घुसते जाएगा, ये जब घुसतेगा तो ये जो एस है यहाँ पर, ये एस नीचे चल जाएगा। तो पैरेलल या एस जब नीचे चल जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग थिन टायर, ठीक है। ये है चक्का का 7 किस्म का डिफेक्ट, जो डिफेक्ट हम लोग मेजर करते हैं गाड़ी में। इस आधार पे हम लोग गाड़ी को अटैच डिटैच करते हैं, गाड़ी का व्हील को चेंज करने के लिए। तो आप लोग को सबको हम लोग व्हील का बारे में जो नॉलेज दिए, इसको याद रखिएगा। पहले लाइन में काम करते समय आपको व्हील को चेक करना बहुत जरूरी है, सबसे वाइटल चीज है गाड़ी का, जो गाड़ी ट्रैक के ऊपर दौड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग को बहुत बढ़िया तरह से चेक करना है, इसका गाया, कंडीमिंग लिमिट, इसका डिफेक्ट, ये सब हम लोग को बढ़िया तरह जान के वहाँ पर लाइन में चेक करना है। कभी भी कंफ्यूज हो आप व्हील डिफेक्ट गेज लेके जाके चेक कीजिए। अगर देखिएगा आपका कोई प्रॉब्लम आया, आप पीएक्सआर को इन्फॉर्म कीजिए, उस गाड़ी को कटाने का व्यवस्था कीजिए, गाड़ी को मत छोड़िए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है व्हील। तय व्हील को कोई नेग्लिजेंसी नहीं कीजिएगा, व्हील बफर कपलिंग, वो स्क्रू कपलिंग हो या सीबीसी हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है गाड़ी का, जो गाड़ी को आप लोग को गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है बहुत बढ़िया तरह से। आप लोग अच्छा वर्कर है, अच्छा वर्कर का तरह काम कीजिए, ताकि आने वाला दिन में हम लोग गाड़ी बहुत बढ़िया तरह भेज सके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और एक पॉइंट तक जा सके गाड़ी, और बहुत अच्छा तरह से गाड़ी जाए, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोगों को ये जो मॉडल दिखाए हैं, ये अभी आप लोगों को लाइन में भी ले जाएंगे, लाइन में ले जाके ये गेज से व्हील लेके, एकदम नया जो ओरिजिनल व्हील है व्हील लेके आप लोग को हाथ से आप लोग अपने से चेक कीजिएगा कैसे करके चेक किया जाता है, ठीक है।